डायरेक्टर एस राजामौली की आरआरआर अब रेज बन चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स में, और इस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब्स में बहुत ही कमाल किया है. सो इट इज अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी नॉट जस्ट फॉर तेलुगु सिनेमा पर इंडियन सिनेमा के लिए भी. लेकिन अब एक छोटी सी कंट्रोवर्सी जो है, या बात कह लीजिए, सोशल मीडिया पे जो है इस टाइम पे की जा रही है. This is not a Bollywood movie. This is a Telugu film from south of India, where I come from. इसी के बारे में हम बात करते हैं फरीदून शरिया के साथ, और देखते हैं कि what is it exactly? ये regional cinema का debate है या Bollywood का debate है? क्या है ये? Hello फरीदून. कैसे हैं आप जैस्मिन? बहुत बढ़िया. आप सुनाइए. बहुत बढ़िया. Good moment and big moment. It has been blown out of proportion unnecessarily. अगर constitution देखें इंडिया का, तो उसमें ये है कि it's a union of states. सो उसमें जो एक रीजनल आइडेंटिटी है, तो जो उनकी लैंग्वेजेस की आइडेंटिटी है, दैट इज समथिंग विच इज सैक्रोसैंक्ट. सो उसमें अगर उन्होंने कहा कि दैट, एंड यू नो ही इज द सेम गाय हु हैज बीन सेइंग इन वेरियस मीडिया हाउसेज इन यूएस दैट राइट नाउ इट इज नो मोर बॉलीवुड कॉलीवुड टॉलीवुड, इट इज इंडियन सिनेमा. ही इज द सेम गाय हु हैज सेड, लॉस एंजेलिस टाइम्स में उन्होंने बोला है. सो उसमें व्हाट ही इज सेइंग इज इट्स अ फैक्चुअल थिंग एक्चुअली, इन द सेंस कि दैट इट्स अ एंड इट इज नॉट अ बॉलीवुड फिल्म. बिकॉज यूजुअली जो एक तसव्वुर है हिंदी फिल्म इंडियन फिल्म्स का, वो बॉलीवुड से रिलेटेड है. और उसमें अगर उन्होंने कहा कि दैट ये बॉलीवुड नहीं है, दिस इज फ्रॉम इट्स अ तेलुगु फिल्म एंड फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, ही इज जस्ट बीइंग फैक्चुअली करेक्ट. सो उसमें ये आई थिंक थोड़ा सा, आई थिंक मेरे ख्याल से आजकल एक फैशनेबल है किसी भी चीज़ का एक बात का बतंगा बनाना. तो आई थिंक आई डोंट थिंक इट्स मच ऑफ अ कंट्रोवर्सी एनीवेज, बट इट हैज बीन मेड. क्योंकि अब लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट वाज द नीड. मैं पढ़ रही थी फर्स्ट पोस्ट, इन अ लॉट ऑफ यू नो प्लेसेस दे हैव सेड कि क्या जरूरत थी एसएस राजामौली को ये बोलने की कि ये तेलुगु सिनेमा है, एंड इन्होंने क्यों डिफरेंशिएट किया. बट आई थिंक जस्ट बाय सेइंग दैट, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ उन्होंने क्लैरिफाई या बताया है. लेकिन अब फरीद, उन लोगों का ये भी कहना है कि देखिए आपने इसको डब किया हिंदी में, है ना, आरआरआर को, और नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया, और इस फिल्म में आलिया भट्ट भी हैं, अजय देवगन भी हैं, तो अब आप क्यों ऐसा, यू नो, क्यों आप ये नहीं जिक्र करेंगे कि बॉलीवुड है? नहीं देखिए, वो ही इज जस्ट स्पेसिफाइंग. एंड देखिए, अगर देखा जाए तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो दो स्टेट्स हैं, उनके अगर टोटल पॉपुलेशन आप देखें, तो मुझे लगता है कि दैट बहुत से यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उससे कहीं ज़्यादा होंगे. तो वो एक नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक तेलुगु फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ह्यूमंगस. तो उसमें इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना कि दैट ये एक लैंग्वेज है जिसको, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाबी, अगर कोई फिल्म पंजाबी फिल्म है, तो वो पंजाबी फिल्म ही कहा जाएगा उसको. बिल्कुल. विच इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया. एब्सोल्युटली. तो वो एक, आई थिंक ये उन्होंने एक बहुत ही, आई थिंक मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने बात कही थी. फिर उसमें आप ये एक आई थिंक बहुत ही फख्र करने का मौसम, ये मौसम कह रहा हूँ, मौसम ही एक तरीके से है, जिस तरीके से ट्रिपल आर ने कर दिया, तो वो उसका हमें, वी शुड बी टेकिंग प्राइड इन दैट. वो अननेसेसरी उसका एक ह्यू एंड क्राई वो बनाया गया. एंड यू नो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी 24 जनवरी को ऑस्कर्स के नॉमिनेशन अनाउंस होने वाले हैं, एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट एस एस राजामौली कैन बी नॉमिनेटेड इन बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी एंड बेस्ट पिक्चर एज वेल. एंड द फैक्ट दैट दे हैव देयर फिल्म वॉज नॉट द फिल्म इंटरनेशनल लैंग्वेज फिल्म जो कि इंडिया से भेजी गई हो, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके से एक मार्केटिंग का ब्लिट्ज़क्रीक करके, जिस तरीके से उन्होंने US, UK, the way they have gone out of the way to just market the film, they are competing in all the languages. Oh, yes. There's a possibility that once again after this Natu winning Golden Globes, it may be in the race for best song at Oscars, may as well win it. There is a possibility that Junior NTR and Ram Charan may be performing. रीजनल सिनेमा की ऑफ कोर्स जब भी बात आती है, तो बात ये भी आई थी कि जब सत्यजीत रे की पाथर पंचोली जब वो फिल्म आई है, तो ये बोला गया था ये बंगाली फिल्म है, राइट? तब क्यों नहीं बोला गया, या ये बोला गया कि पैरेलल सिनेमा की फिल्म है, राइट? तब नहीं बोला गया इसको बॉलीवुड फिल्म नहीं बोला गया. अगर सत्यजीत रे की फिल्में एक क्लास में डिफाइंड है, तो ऐसा क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं बोल सकते? नो, आई कांट राजामौली से दिस इज द साउथ की जो फिल्म है उसमें है. आई थिंक यू नो पहले बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आई थिंक कोई सोचता भी नहीं था, एंड दे वर सेड बिकॉज
दे वर टेकन इन द राइट कॉन्टेक्स्ट. अभी थोड़ा सा माहौल अलग है. आपने आपने सत्यजीत रे की बात करी, ही एंडेड अप गेटिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द ऑस्कर्स एंड ही वॉज एन इंडियन टू डू दैट. बट द फैक्ट इज एन इंडियन हु मेड फिल्म प्राइमरली इन बंगाली लैंग्वेज. उन्होंने शतरंज खिलाड़ी भी उन्होंने बनाई है, बट ही मेड फिल्म प्राइमरली इन बंगाली लैंग्वेज. वो आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो एक आइडिया इंडिया का जो है कि यू नो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी जो है वो इंक्लूसिविटी, वो सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट है इंडिया का. लेकिन अब आई थिंक वो प्राइड, एक सेम कलर से उसको जो है रंगों की बड़ी बात हो रही है आजकल. बिल्कुल रंगों की बात हो रही है. फिर बस इतना रहता है कि जो रीजन जहाँ से आता है वो प्राइड लेता है उसके लिए. अगर राजामौली साहब और उनकी टीम अगर तेलुगु फिल्म के बारे में बोलती हैं कि ये देखिए एसेंशली, क्योंकि लोगों का कहना है विद अ बॉलीवुड फिल्म, यू नो हाउ दे अंडरस्टैंड अ बॉलीवुड फिल्म, ये मसाला फिल्म होगी और नाटू नाटू क्योंकि गाना आ गया ना तो ये फुल ऑन यू नो इट्स अ मसाला फिल्म. वेर इज ही ऑल्सो वेंट ऑन टू से दिस इज जस्ट अ सॉन्ग टू कैरी फॉरवर्ड द रेस्ट ऑफ द फिल्म. यू नो द इवेंट्स मूव लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि वो एक गाने से आप जज कर लेंगे कि ये पूरा बॉलीवुड फिल्म. आई थिंक ऑन एन इंटरनेशनल स्केल डिबेट ये चल रहा है लोगों का कि तुम्हें क्या जरूरत है ये एड ऑन करने की, बॉलीवुड तो बॉलीवुड है. मुश्किल से तो एक्सेप्टेंस मिला. I genuinely feel in the larger scheme of things, ये सब चीज़ें आई थिंक मेरे ख्याल से they won't be discussed beyond a point, because I think he's an extremely patriotic guy and the fact that he has to prove it, वो भी अपने आप में unfortunate है. The mere fact that these guys, they are walking the red carpet at such prestigious awards, yeah. Golden Globes is just one. There was Directors Guild. लॉस एंजलिस में हुआ, मतलब दे बीन जो न्यूयॉर्क प्रेस ने जो अप्रिसिएशन किया, दैट हैज बीन दैट इज आई थिंक दैट इज वंडरफुल. एंड यू नो दीस थिंग्स दे ओपन डोर्स फॉर अदर फिल्म्स. दे विल ओपन डोर्स फॉर अदर सॉर्ट ऑफ आई थिंक एंटरटेनमेंट दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम इंडिया. समवन लाइक से प्रियंका हैज जस्ट हेल्ड अ स्क्रीनिंग for Mr. Rajamouli and so I think you know these things they ought to be celebrated. Abhi jaise for example jis tarike ka mahol isse ban raha hai, aage aane wali filmein jo hain unke liye ek ready wo hoga. Jaise bahut bar kya hota hai ki Iranian films, the moment aap har koi kehta hai ki Iranian, agar koi bhi Iranian film hoti hai to wo achhi hi hogi. Korean content hai to achha hi hoga. So many stereotypes that we go with, you know, and sometimes the stereotypes are good as well, because agar ek wo ban jaye ki yaar ye haan yaar ye RRR wahan se India se aayi thi, is tarike se to ye bhi agar koi agli film aa rahi hai तो वो भी अच्छी होगी. So I think माजिद मजीदी की सारी फिल्म्स मुझे बहुत बेहतरीन लगती है. Having said that, but like you said, of course, it is a great moment and we should be taking pride in this. This is a great moment for cinema as such, and cinema is all about breaking barriers. You know, हम बोलते हैं गाने और entertainment जो है ना barriers को break करती. हम ऐसी फिल्में भी देखते हैं, हमने RRR भी enjoy की है. We watch Korean, Iranian films जिसकी भाषा हमें समझ नहीं है, but we still enjoy it. ये भी एक जो बात है कि वो हिंदी में डब हुई है फिर से आलिया एंड अजय देवगन, बट ये तो हमेशा से हुआ है. पहले भी आई थिंक रजनीकांत साहब हैज़ वर्कड इन हिंदी फिल्म्स. बच्चन साहब की बहुत सी फिल्मों को रीमेक किया गया है तमिल में. रजनीकांत साहब हैज़ प्लेड सो मेनी द कैरेक्टर्स दैट अमित मिस्टर बच्चन हैज़ जस्ट सिंपली मेड देम सो लार्जर देन लाइफ. तो ये सब पहले भी होता रहा, एंड दैट इज़ व्हाट द आइडिया ऑफ इंडिया वॉज, कि यू नो दैट कोलैबोरेशन ऑफ various languages and various cultures coming together. लेकिन अमिताभ बच्चन की फिल्म जो है वो हिंदी फिल्म ही रहेगी और उसका रीमेक हुआ. लेकिन जब ट्रिपल आर है अगर उसको डब किया जा रहा है तो इट विल ऑलवेज रिमेन primarily a Telugu film. Oh yes. तो ये इससे सब factual thing, तो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए. कोई मसला नहीं. And I think we should all take pride in this. And बाकी तो आप भी बताइएगा आपको ये फिल्म कैसी लगी. आपने RRR देखी है तो ज़रूर comment करके बताइए कैसी लगी ये फिल्म. ये moment कैसा लगा जब राजामौली साहब अपनी टीम के साथ वहाँ रहे. Rihanna also waved and said hi, and you know we are receiving so much appreciation for this. बहुत ही अच्छा moment है सिनेमा के लिए. आगे आने वाला टाइम इससे इंस्पायर होगा. सो डू लेट अस नो इन योर कॉमेंट्स. डेफिनेटली मैसेज कर दीजिए. बिल्कुल है ना, हमें भी पता लग जाएगा कि इन लोगों ने फिल्म देखा है और कैसा इंजॉय किया है एंड व्हाट हैव दे फेल्ट. Yeah, and you know it is अभी गोल्डन ग्लोब्स के बाद में द वे इट इज इट्स एंटरिंग न्यू मार्केट्स नाउ. नेटफ्लिक्स पे जिस तरीके से इट हैज ट्रेंडेड, आई थिंक इट्स अ रिकॉर्ड of sorts, and this film is truly truly being magical. And oh, definitely we should be proud of it, and let us know in your comments below. And thank you so much, Farida. Thank you.